अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 23 पार्ट ए, चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन इन पाकिस्तान, रीडिंग पेज नंबर 60 to 64। लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 60। Agriculture and irrigation in Pakistan. Agriculture has been carried out in the fertile plains of the Indus for thousands of years. However, agriculture methods have been changing over the years. Today, many farmers still use basic tools on the land, but many new and modern machines are also used. कहते हैं कि हज़ारों साल पहले से ही ये जो हमारा इंडस प्लेन है यहाँ पर जो है ज़राअत जो है शुरू हो गई, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये इम्प्रूव होती गई। अब लोग बेसिक टूल्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ मॉडर्न मशीनरी और मॉडर्न टूल्स जो आ गए हैं उनको भी यूज़ किया जा रहा है। मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर, थ्रेशर, इंप्रूव्ड सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें यह है, ट्रैक्टर यूज़ किए जा रहे हैं, थ्रेशर्स यूज़ किए जा रहे हैं, सीड्स अच्छे आ गए हैं, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े वगैरह से बचाने के लिए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं। All the workers in Pakistan make up the workforce. Agriculture employed 66% of the total workforce in 1950 to 51, but by 2017 to 2018 this figure had dropped to 38.5%. This does not mean that agriculture production has dropped. ठीक है, पाकिस्तान के जो तकरीब जितने भी वर्कर्स हैं उनको वर्कफोर्स कहा जाता है, और एग्रीकल्चर में 66% लोग काम कर रहे थे 1950 से 1951 के मुताबिक, लेकिन 2017 और 2018 के मुताबिक ये बहुत कम हो चुके हैं, जो कि 38.5% रह गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि एग्रीकल्चर कम हो गई है, इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर मशीनरी आ गई है और यहाँ पे लोग कुछ और जॉब्स करने लगे हैं। क्रॉप्स, फसलें, मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। पाकिस्तान का ज़्यादातर इलाका जो फर्टाइल नहीं है, जरहेज नहीं है। पंजाब इज़ द बेस्ट एरिया फॉर क्रॉप्स बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल एंड इरीगेशन सिस्टम। इट मेक्स अप अ क्वार्टर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, बट हैज़ ओवर 57% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन द कंट्री। पंजाब जो है वो सबसे बेस्ट एरिया है फसलें उगाने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये तकरीबन जो है क्वार्टर, टोटल एरिया का क्वार्टर पार्ट सिर्फ पंजाब में बनता है, जहाँ 57% कल्टीवेशन की जाती है। फूड क्रॉप्स, हरीफ एंड रबी क्रॉप्स, आलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड इज़ यूज्ड टू ग्रो फूड क्रॉप्स। 70% ज़मीन जहाँ पर काश की जा सकती है वहाँ पर फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इन पाकिस्तान वी ग्रो हरीफ क्रॉप्स इन द समर। हरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, राइस, मेज़ एंड मिलेट। गर्मियों में यहाँ पर हरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें कॉटन है, राइस, चावल है, मेज़ है, बाजरा है, और ये मिलेट, इस तरह की चीज़ें हैं। इन द विंटर वो ग्रो रबी क्रॉप्स, और विंटर में रबी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, विच इंक्लूड वीट, गंदुम, ग्राम, मसूर, रीप सीड्स एंड मस्टर्ड। ओके, जो गर्मियों में उगाई जाती हैं वो होती हैं हरीफ क्रॉप्स, और जो सर्दियों में उगाई जाती हैं उनको कहा जाता है रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, वीट। This is the staple food. Staple food are food which form the basis of the everyday diet of the community. ये staple food है। Staple food क्या होता है, जो किसी भी community की रोज़ाना के इस्तेमाल की basic diet हो। देखें, आटा हमारे घर में डेली बेसिस पे यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फार्म्ड एरिया इन पाकिस्तान इज़ टेकन अप बाय वीट, विच ग्रो वेल इन प्लेसेस दैट हैव माइल्ड टेम्परेचर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। पाकिस्तान का ज़्यादा इलाका है जहाँ पर पहले वीट को काश किया जाता है, और यहाँ पर क्या है, बारिश की क्वान्टिटी थोड़ी कम होनी चाहिए और माइल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। दिस क्रॉप इज़ सोन इन अक्टूबर एंड नवम्बर। इसको जो है तकरीबन अक्टूबर और नवम्बर में काश किया जाता है, बीज लगाया जाता है, एंड हारवेस्टेड इन अप्रैल एंड मे, और अप्रैल और मे में इसकी कटाई की जाती है। पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड अबाउट 25.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट इन 2017-18, और 2017-18 में 25.1 मिलियन जो है वो प्रोड्यूस किया इसने वीट को। राइस, पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड ओवर 7.4 मिलियन टन्स ऑफ राइस ड्यूरिंग 2017-18। राइस ग्रोज वेल इन वार्म प्लेसेज दैट हैव प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर। द राइस प्लांटेशन आर मोस्टली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध। ठीक है, 7.4 मिलियन टन्स जो है 2017-18 में राइस को ग्रो किया गया था, ये वहाँ पर उगाया जाता है जहाँ पानी ज़्यादा मिकदार में हो, और राइस की जो प्लांटेशन है वो लोअर पंजाब और सिंध में होती है। पाकिस्तान इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड पाकिस्तानी राइस इज़ एक्सपोर्टेड टू ओवर 100 कंट्रीज़। पाकिस्तान 5वें नंबर पर जो है एक्सपोर्टर है, दूसरे मुल्कों को राइस बेचता है, और 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी राइस बिकते हैं। मेज इज़ द अनदर नेम फॉर कॉर्न। ये कॉर्न का, मकई का एक दूसरा नाम है। इट इज़ अ हरीफ क्रॉप दैट ग्रोज इन वार्म प्लेसेस विद मॉडरेट रेनफॉल। ये हरीफ क्रॉप है, मतलब गर्मियों में उगाई जाती है गर्म जगहों पर। द
द मेन माइज ग्रोइंग रीजन इज इन हैबर पख्तूनवा। हैबर पख्तूनवा में माइज उगाई जाती है। माइज इज मेनली यूज फॉर एनिमल फूडर एंड फॉर प्रोड्यूसिंग कॉर्न ऑयल। पाकिस्तान प्रोड्यूस ओवर 3.5 मिलियन टन ऑफ माइज एवरी ईयर। ठीक है, ये एनिमल फूड और ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान तकरीबन 3.5 मिलियन टन जो है हर साल जो है माइज को जो है ग्रो कर रहा है। मिलट, मिलट इज़ अ हार्डी सीरियल। ये एक हार्डी सीरियल है विच कैन ग्रो इवन इन पोअर सॉइल। ये पोअर सॉइल में भी ग्रो कर सकता है विद वेरी लिटल वाटर, जहाँ पानी कम हो। टू इंपॉर्टेंट मिलट क्रॉप्स जवार एंड बाजरा आर ग्रोन इन पाकिस्तान। दो मिलट क्रॉप्स हैं जिनमें जवार और बाजरा पाकिस्तान में उगाया जाता है। बाजरा इज ग्रोन मेनली इन द थरपारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। जवार इज ग्रोन इन मेनली पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध। ठीक है, जो बाजरा जो है वो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और सिंध में उगाया जाता है और जवार जो है वो पंजाब और सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ। पल्सिस, पल्सिस आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ग्राम, चना, लेंटिल्स, मसूर, मूंग एंड माश आर सम इम्पॉर्टेंट पल्सिस ग्रोन हेयर। पल्सिस ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल दैट इज़ वेल ड्रेन्ड। ठीक है, ये कुछ पल्सिस के नेम दिए गए हैं जो प्रोटीन हमें प्रोवाइड करते हैं और ये कहाँ उगाए जाते हैं, सैंडी सॉइल में, जो जिसमें से पानी जो है ड्रेन हो सके। ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन सीड्स, रिप सीड्स एंड मस्टर्ड आर ऑयल सीड्स। ये ऑयल सीड्स हैं, इनसे ऑयल निकाला जाता है। सो टू आर लीन सीड, कैस्टर सीड एंड सीसम। These oil seeds are grown in many areas, but we do not produce enough for our needs. ठीक है, ये बहुत से इलाकों में उगाए जाते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करते और हमें बाहर के मुल्कों से सीड्स को जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। कैश क्रॉप्स, कॉटन, कॉटन इज़ ओवर लीडिंग एक्सपोर्ट। कॉटन लाइक्स हाई टेम्परेचर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल। ये हाई टेम्परेचर पसंद करती है और यहाँ पे नॉर्मल जो है वो रेनफॉल हो। द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर साउथ ईस्ट पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सिंध। साउथ ईस्ट पंजाब और पार्ट ऑफ सिंध में जो है ये उगाई जाती है। पाकिस्तान प्रोड्यूस 11.9 मिलियन बेल ऑफ कॉटन ड्यूरिंग 2017-18। 2017 से 2018 में 11.9 मिलियन बेल जो है वो कॉटन उगाई। अ बेल वेट 170 kg और एक बेल में 170 kg होते हैं। कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कॉटन टेक्सटाइल पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है विच एम्प्लॉयज़ अबाउट 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स। जहाँ 40% लोग काम कर रहे हैं। कराची इज़ द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर फॉलोड बाई इस्लाम फैसलाबाद एंड हैदराबाद। कराची सबसे लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है और उसके साथ फैसलाबाद और हैदराबाद भी। शुगर केन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन, शुगर एंड गुड़। ठीक है, जैगरी आर मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन नीड्स हाई टेम्परेचर एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, कॉटन के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है शुगर केन, जो पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट क्रॉप, कैश क्रॉप है। ठीक है, जिससे वो जिसको दूसरे ममालिक में बेचकर पैसे कमाते हैं वो कैश क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, शुगर केन को टेम्परेचर चाहिए होता है और वो जगह यहाँ जहाँ पानी ज़्यादा क्वान्टिटी में हो। इससे गुड़ बनता है, शुगर बनती है। थ्री मेजर शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स आर इन द पंजाब, सिंध एंड हैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान प्रोड्यूसेज ओवर 83.3 मिलियन टन इन 2017-18। ठीक है, पंजाब, सिंध और हैबर पख्तूनख्वा में शुगर केन उगाया जाता है और 2017 से 2018 के दौरान 83.3 मिलियन टन जो थी शुगर उगाई गई हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है टोबैको, तंबाकू जिसको कहते हैं। इट दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। द बेस्ट टोबैको ग्रोइंग एरियाज आर इन मर्दान एंड पिशावर डिस्ट्रिक्ट। टोबैको इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड। ठीक है, मर्दान और पिशावर डिस्ट्रिक्ट में इसको ग्रो किया जाता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिवस्टॉक। लिवस्टॉक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर थ्रू मोर एंड मोर फार्मर्स आर नाउ यूजिंग ट्रैक्टर्स टू प्लग द फील्ड्स। ठीक है, लिवस्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एग्रीकल्चर में अदा कर रहा है कि ट्रैक्टर्स के जरिए बहुत से खेत जो है वो साफ किए जा रहे हैं। बुलॉक्स आर स्टिल यूज फॉर द पर्पज़। इसके लिए बुलॉक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो भैंसें होती हैं। इट मीन्स दैट नॉट एवरी फार्म हैज़ अ पेयर ऑफ बुलॉक्स। इसका ये मतलब नहीं कि हर फार्म में बुलॉक्स होंगे। ट्रेडिशनली एवरी फार्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव पेयर ऑफ बुलॉक्स। फार्म मशीनरी इज नाउ यूज ऑन लार्ज फार्म बट एनिमल्स आर स्टिल यूज ऑन स्मॉल फार्म। बड़े बड़े फार्म्स पे फार्म मशीनरी और छोटे फार्म्स पे अभी तक जानवर यूज किए जाते हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन 2017-18। द मिल्क प्रोडक्शन वॉज 57,890 मिलियन टन्स। टू थर्ड ऑफ दिस कम्स फ्रॉम बफलोज एंड द रेस्ट फ्रॉम काउस। मोस्ट ऑफ द मीट वी ईट कम्स फ्रॉम बफलोज, काउस एंड गोट। पाकिस्तान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दूध का। 2017 से 2018 के दौरान
57,890 मिलियन टन दूध पाकिस्तान में जो है निकाला गया, जिसका मेन सोर्स है बफलोज और उसके बाद काउस। इसके अलावा बफलोज, काउस और गोट्स का गोश्त भी पाकिस्तान में खाया जाता है। शीप एंड गोट्स लिव ऑन रग्ड लैंड, निबल थिन ग्रास एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई एरियाज। ये रग्ड लैंड पे रहती हैं, थिन ग्रास जहाँ पे हो जिसको ये खा सके, ड्राई एरियाज में रह सकते हैं। दे आर फाउंड ऑल ओवर द कंट्री इन द माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड इवन इन द थर एंड चोलिस्तान डेजर्ट। ये पूरे मुल्क में पाई जाती हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे वो सहराई इलाके हैं, चाहे वो ज़मीनी इलाके हैं। शीप आर केप्ट फॉर देयर मीट, वूल एंड स्किन, और इनको इनके मीट, इनके वूल और इनकी स्किन के लिए पाला जाता है। पाकिस्तान हैज़ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर फार्मिंग लिव स्टॉक टू मीट द नीड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग पॉपुलेशन। द गवर्नमेंट सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स इन लिव स्टॉक फार्मिंग एंड लार्ज स्केल फार्म्स विच हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रही है तमाम स्मॉल फार्मर्स को भी और बड़े फार्मर्स को भी, ताकि वो अपने लिव स्टॉक की और अपने एग्रीकल्चर की क्वान्टिटी को बढ़ा सके। पाकिस्तान आल्सो एक्सपोर्ट्स मीट टू मैनी कंट्रीज। पाकिस्तान हम बहुत से मुल्कों को गोश्त भी बेचता है, स्पेशली वेयर देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर हलाल मीट, खासतौर पर जिन ममालिक में हलाल गोश्त की ज़रूरत है, लाइक द गुल्फ स्टेट्स एंड यूरोप। गुल्फ स्टेट्स और यूरोप में अपार्ट फ्रॉम मीट, मिल्क, फैट, बटर, चीज़ एंड घी, मिल्क के अलावा मीट, फीदर, बटर, चीज़ और घी जो है, एंड मैनी अदर बाय प्रोडक्ट्स और बहुत सी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लेदर एंड वूल प्रोडक्ट्स आर आल्सो सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेदर प्रोडक्ट्स भी पूरी दुनिया में सेल की जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूलन गुड्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड ट्वीट्स आर मेड फ्रॉम वूल। इन 1947 देयर वॉज ओनली वन वूलन यूनिट इन पाकिस्तान, नाउ देयर आर 70 विच प्रोड्यूस रॉ वूल एंड वूलन फैब्रिक्स। देयर प्रोडक्शन फुलफिल पाकिस्तान नीड फॉर हॉजरी, शॉल्स एंड कारपेट्स। ठीक है, पाकिस्तान में वूलन जो है उससे शॉल्स, ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं वो बनाए जाते हैं, और 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ एक वूलन यूनिट था जो कि वूल से चीज़ें बनाता था। अब 70 हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट शॉल्स वगैरह बना रहे हैं, होजरी का काम कर रहे हैं। द मेजर वूलन टेक्सटाइल सेंटर आर एट हरनाई एंड मस्तुंग इन बलोचिस्तान। हरनाई और मस्तुंग में है इनके सेंटर्स, बनू एंड नौशहरा इन हैबर पख्तूनख्वा, कैदाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड साहिवाल इन द पंजाब, एंड कराची, हैदराबाद एंड लारकाना इन सिंध। ब्यूटीफुल कारपेट्स आर मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ब्यूटीफुल कारपेट्स भी बनते हैं, दे आर हैंड नॉटेड और मशीन मेड एंड आर एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कारपेट्स आर वन ऑफ ओवर लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम। ठीक है, ये हाथ से बने हुए भी होते हैं और मशीन से बने हुए भी होते हैं, और इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, और हमारी जो लीडिंग एक्सपोर्ट है उसमें कारपेट्स भी आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट वन, जिसमें आपको मैंने इतनी रीडिंग पढ़ाई है। बुक्स को ओपन ही रखिए और पार्ट टू प्ले कीजिए, उसमें मैंने आपको रिमेनिंग रीडिंग पढ़ानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।